हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर फटाफट मैं बना दे रही हूँ सुबह का नाश्ता। और सुबह का नाश्ता बनाने के बाद सभी बच्चों को दे दिया है, खिला पिला कर ही जाएंगे। और आज गुतनी के घर जो शादी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आज है कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा और मड़वा होगा, यानी कि मड़वा भतवान होगा। आज गोतिया नैया जितने भी हैं आसपास के लोग आज खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये मोटी वाली मैं पायल पहन रही हूँ। शादी विवाह में तो ये सारे जो छन छन करते हैं मोटे वाले पायल ही पहनना सभी पसंद करते हैं। मैं तो रखा हुआ था तो सोचा कि आज पहन ही लेते हैं इसे मोटी वाली। थोड़ा मेरा पसंद थोड़ा है ना कि पतली पतली चीज़ें ही पहनना पसंद करते हैं, मोटे मोटे चीज़ें मेरा ऐसे ही धरी रहती है, नहीं पसंद आते हैं मुझे मोटे, ज़्यादा भारी वगैरह। तो ये पायल मैं शादी विवाह के लिए ही रखी रहती हूँ कि शादी विवाह में पहनना पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आए खा रहे आप? देखिए देखिए आ गया। इतनी गर्मी में शादी विवाह होना, तब बालों को खोलने का मन नहीं करता है, मतलब खोल कर जाओ तो बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा गूथ लिया है, गूथा नहीं है, इसी तरह मैंने बांध लिया है। और अभी हम लोग बाइक से ही जाएंगे, ज़्यादा दूर है नहीं, पटना में ही बगल में ही है उनका घर, वहीं पर जा रहे हैं। और वो ज्ञान से रहित हो जाता है। और यहाँ पर जो पंडित जी कथा बोल रहे थे ना, ये आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन इतने अच्छे से कथा कराई ना कि बहुत, मुझे लगा ही नहीं कि ये इनके आँख नहीं हैं। तो दो तीन दिन के बाद मुझे मालूम हुआ था कि इनका आँख नहीं है और ये पंडित जी का। कथा होने के बाद प्रसाद वगैरह खाया, इसके बाद सभी डांस किए और ये मड़वा में हम लोग खाना खाकर इसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। और ये सुबह में मिल रही हूँ, अभी चाय पानी बनाई हूँ सुबह में, थोड़ा सा रात में थोड़ा लेट से आई थी तो थोड़ा सा लेट से जगी भी, तो यहाँ पर चाय सुबह सुबह ही स्नान हो गई है। और स्नान करने के बाद मैं अभी चाय बना कर गर्मा गर्म पी रही हूँ थोड़ी। अभी यहाँ पर मैं चावल दाल चढ़ा रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ, थोड़ा जल्दी बना बना कर निकलेंगे हम लोग। आज हल्दी है तो आज हल्दी में हम लोग जाएंगे। और हमने पंखा ना अगर कहाँ लगाई है दिखाते हैं आपको, ये देखिए पंखा हमने कहाँ लगाया है। इतनी ठंडी 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 हवा आता है ना यहाँ से कि पूछिए मत, ठंडी बाहर का जो ये पेड़ पौधे हैं ना, सबसे हवा दम इतना हवा इतना आएगा लगता है ना। खाना बना लेते हैं फटाफट, सुबह से 5 बजे से उठकर सारे कामों को निपटाने की कोशिश की हूँ। और अब हल्दी 10 या 11 बजे से स्टार्ट ही होगा, तो सोचे में सब खाना बना के और जब ए आदि आदि पूरा ले आया, कितना का दिया? 75 रुपये का आधा के जी, ठीक है। धनिया पाउडर मंगाया था, पंखे लगाने का हो गया कि हमें सभी जितने भी हम लोग जितने भी आदमी थे बच्चे थे सभी एक ही रूम में समाए रहते थे, लेकिन एक और पंखा लगाने से ना यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। सुबह का टाइम में तो हम लोग बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा हवा आता है इससे। यहाँ पर
बजने के बाद ना इतना सुकून, इतना अच्छा पेड़ पौधे वाले एकदम पूरा जितना ही हवा ठंडी ठंडी आती है ना, पूरा मज़ा आ जाता है। मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं रही हूँ, जब मतलब मैं घर भूल रही हूँ, मैं जाना भूल जा रही हूँ, मतलब घर में जा बार बार मैं जाती थी कूलर के पास, तो अब मैं यहाँ पर आकर बैठी, बहुत अच्छा हवा देता है। चलिए एक और हो गया इंतज़ाम कर लिया है घर में कि मेहमान भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर बैठ कर आराम से चाय पानी पियेंगे। नहीं तो ऐसा होता था ना कि एक रूम में चाहे तो मेहमान उस रूम में रहे, हम लोग गर्मी में मरे या फिर हम लोग पंखे के नीचे रहें और मेहमान गर्मी में मरे। तो इससे अच्छा हो गया कि यहाँ भी लगा दी पंखा, छोटा सा दीवार वाला है और अंदर भी है, मेहमान आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग के लिए वहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा और हम लोग के लिए भी बहुत बढ़िया। और सुबह सुबह तो ये लोग इस पंखे में आकर बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, इतना मज़ा आ जाता है ठंडी ठंडी हवा। और मेन कारण है ना कि इधर इधर का जो इधर वाला जो भाग है खुला एरिया है, अरे हाँ भी डर गए, एकदम खटाक सुन निकलते हैं, एकदम खोल के डरा देते हैं आदमी। माड़ है थोड़ा सा खाइएगा, आज नहीं नहाइएगा, आज ऐसे ना बिना नहाए ही खा लीजिएगा आज बिना। तो इसलिए यहाँ पर ठंडा ठंडा हवा आता है क्योंकि बाहर जो हवा भी इस टाइम मौसम थोड़ा अच्छा कर दिया, कल शाम से कल पानी पड़ा था, आज मौसम बहुत ही अच्छा किया और हवा भी चली है, बाहर खुला एरिया है तो थोड़ा और अच्छे से ठंडे ठंडे हवा आती रहती है। इसमें कैसा पंखा दिखता है, इस यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है और यह इसमें दिखा दीजिए, लग रहा है कि पंखा पंखी जो है इसे आराम से दिख रहा है, लेकिन बहुत तेज हवा दे रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है एकदम। चला दीजिए, हो गया आप कपड़े भी बहुत सारे फिट होने हैं, लेकिन अभी टाइम तो है नहीं, कल पहन के गई बच्चों वाले कपड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हुए लेकिन टाइम नहीं है अभी धोने का, आज तो दिन भर वहीं रहेंगे करने के बाद। सुबह सुबह चाय पानी मेहमान आए, चाय पानी पिला दी, अब लगा लो सूरज, पीछे से चलिएगा। लगभग ये 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम लोग आ गए हैं यहाँ पर और हल्दी की तैयारी हो रही है। हल्दी देखिए पीस कर रखा गया है और ये कलश वाला विध भी होता है वो। चाय कहाँ से?
हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स अभी घर आ गए हैं और सबसे पहले सोच रही हूँ कि ढेर सारे बर्तन थे उसे साफ कर दिया है, थोड़ा किचन को क्लीन कर देते हैं और देखते हैं इसके बाद जाएंगे, फिर से तैयार होकर जाना है, देवपूजी होगा तो हम लोग अब देवपूजी में जाएंगे। तो सब साफ सफाई कर लेते हैं, इसके बाद स्नान करेंगे तो जाएंगे देवपूजी में। 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैं यहाँ पर लौट आई थी घर, जितने भी बर्तन सभी को धो दिया, अभी नेटी उटी हूँ और आटे को भी मैंने गूंथ कर थोड़ा सा मुलायम होने के लिए रख देते हैं जब तक मैं स्नान कर लिया, और करने के बाद तुरंत ही खाने को तैयार कर लूँगी और शाम से जाएंगे हम 5 बजे से लगभग जाएंगे, इसलिए खाना वाना तैयार कर रख लेंगे, इसके बाद आराम से तैयार होंगे, इसके बाद 5 बजे से हम लोग निकलेंगे। ऐसे ही रिश्ते नाते निभा रही हूँ अभी इस वक्त, इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो को शूट करने का और ना ही एडिटिंग करने का, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरी नहीं जा पा रही, और कोई बात नहीं, बिजी लाइफ चल रही है इधर ना, इसीलिए सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम लोग शाम की तैयारी हो गए हैं, अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं देव पूजी होगा, इसलिए हम लोग अच्छे से तैयार हो गए हैं, मंदिर जाना है। हेलो ना सब शादी ब्याह वाले जा रहा ना, तो शादी ब्याह निकल नहीं सकते, कैसे करें। हम लोग पहुंच गए मंदिर, देव पूजी होने वाला है यहाँ पर, सभी यहाँ पर जो लड़के के मम्मी हैं जो कि अभी पूजा वगैरह करते हैं मंदिर में आकर देवी माता के पास, तो ये है शंकर भगवान का मंदिर जो कि बहुत ही अच्छा लगा आने का, और यहाँ पर भी पूजा किए हैं तो हम लोग द्वार पर खड़ी हैं और यही लड़के की मम्मी हैं अभी यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा, तो बाहर चूड़ियाँ वगैरह चूड़ियाँ एक से एक यहाँ पर रखा हुआ सभी बेच रहे थे, हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। ये डीजे अभी बज रहा है, सभी डांस कर रहे हैं। शादी विवाह में ना इतने लोग आते हैं, इतने लोग होते हैं, पूरा घर परिवार से भरा हुआ रहता है, बड़ा मन लगता है सबकी बातें सुनने में, सभी मजाक करते हैं, नाचते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है, और एक से एक बोली सुनने को मिलता है, एक से एक तरह का मतलब माइंड रहता है सबका, अलग अलग नाचते हैं, बोलते हैं, मजाक करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है शादी विवाह में, पूरा घर भरा होता है तो मज़ा आ जाता है। यहाँ आप लोगों से बातें मैं कर रही थी लेकिन आवाज़ इतना डीजे जो बज रहा था ना उसकी वजह से आ नहीं रहा है। इसके बाद मैं घर लौटूंगी, तो सारा विध खत्म हो गया है और चुमावन सिर्फ लड़के का यहाँ बचा हुआ है, चुमावन करने के बाद मैं घर लौट जाऊँगी। तो चलिए वीडियो की एंडिंग करते हैं, बाय।